एक और चर्चा में करना चाहूंगा सर जो आपने बयानबाजी की बात की अभी एक बयान आपके नेता है नीतीश राणे उन्होंने बयान दिया बयान आपत्तिजनक था तो मैं समझ पर उसको दोहराऊंगा नहीं सवाल ये उठा कि नीतीश राणे बयान देने के बाद बचे कैसे हैं क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई न सरकार की तरफ से न पार्टी न संगठन की तरफ से अगर है तो पब्लिक डोमेन में नहीं है कार्रवाई सर देखिए नीतीश राणे एक बहुत ही कट्टर हिंदुत्ववादी इस प्रकार के हमारे एम एल क्या वो पार्टी लाइन से मैच करते हैं हिंदू मैं बता रहा हूँ आप पूरी बात सुन लीजिए पार्टी तो हिंदुत्ववादी है ना हम हिंदुत्व विरोधी थोड़ी है हम कांग्रेस थोड़ी है हम तो डंके की चोट पर कहते हैं जी हम हिंदुत्ववादी है सवाल ही नहीं उठता लेकिन जहाँ तक नितेश राणे जी का सवाल है तो एक कट्टर हिंदुत्ववादी है वो जो सकल हिंदू संगठन है उसके साथ लगातार वो काम करते हैं हिंदुओं का जागरण का काम करते हैं कुछ बयान उनके निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता और मैंने भी उसका समर्थन नहीं किया है उन्होंने भी उसके ऊपर सफाई बाद में दी है कि मैं इस प्रकार नहीं कहना चाहता था उनके पिताजी जो बहुत वरिष्ठ नेता है नारायण राणे जी उन्होंने भी ये बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस प्रकार का बयान नहीं होना चाहिए लेकिन जहां गलत बयानबाजी हुई हमने व्यक्ति कौन है नहीं देखा हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उनके ऊपर एफ किया है मेरा सवाल इतना ही है कि जब इस प्रकार से कोई कार्रवाई होती है या इस प्रकार की बयानबाजी आती है तो उसके ऊपर एक बड़ी इकोसिस्टम तैयार हो जाती है हम कार्रवाई तो करते हैं पर देश भर में कोई तमिलनाडु में बोलता है कि सनातन को मिटा देना चाहिए कोई केरला में बोलता है कि सनातन का मुर्दा गिराना चाहिए इसके ऊपर कार्रवाई होती नहीं इसके ऊपर कोई बोलता नहीं है इसके ऊपर कोई डिबेट भी नहीं होता है तो मुझे लगता है कि न्याय सबके लिए सरीका होना चाहिए न्याय आप अलग अलग रूप से नहीं कर सकते अगर उधर एक इकोसिस्टम एक काम कर रहा है सर जो सनातन का बयान देने वालों पर कार्रवाई नहीं कर रहा तो क्या नीतीश राणी भी एक इकोसिस्टम एक का हिस्सा नहीं है जो इस तरीके से हेट स्पीच दे रहे हैं देखिए हमने तो कार्रवाई की नीतिश राणे हमारी पार्टी के एमएलए होने के बावजूद हमने उन पर एफआईआर किया और एक ने दो बार एफ किया सवाल ही नहीं यहां कानून का ही राज चलता है यहां कानून से ही हम काम करते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम नितेश राणे को हिंदुत्व की बात करने से रोके हम नहीं रोकेंगे नीतीश राणे के बयान के जवाब में ए आई एम आई एम ने एक रैली का आयोजन किया इम्तियाज जलील उसके पुरोधा बने वारिस पठान उसमें शामिल थे लेकिन मुंबई की सड़कों पर तो वो आए उस बाउंड्री में घुस नहीं पाए लाठी चार्ज की तस्वीरें हमने देखी सर देखिए अल्टीमेटली मुंबई में कौन से रोड पर आंदोलन हो सकता है और कौन से रोड पर नहीं हो सकता इसका नियम हाई कोर्ट ने एक अपने जजमेंट में दिया हुआ है तो जिन रोड्स पर वो जा सकते हैं उस पर हमने उनका अलाउ किया हम चाहते तो उनको संभाजी में रोक देते अगर उनको प्रदर्शन करने से रोकना था तो उनकी गाड़ी संभाजी के बाहर ही नहीं आती हम रोक के रख देते हमने ऐसा नहीं किया सबको प्रदर्शन करने का अधिकार है उन्होंने अपना प्रदर्शन किया जहां तक लिमिट थी वो लिमिट तक हमने उनको आने दिया उनकी इच्छा थी कि कोई बहुत वरिष्ठ अधिकारी आकर हमारा डेलीगेशन हमारा निवेदन ले तो हमारे विभागीय आयुक्त के स्तर के संभागीय आयुक्त के स्तर के व्यक्ति ने जाकर डेलीगेशन लिया लेकिन अगर कोई ये कहेगा तो हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद यही पर मुझे रैली करनी है मैं नहीं करने दूंगा जब तक मैं गृह मंत्री हूं मैं नहीं करने दूंगा उस रैली के दौरान भी कई हेट स्पीच के मामले कई नारे सामने आए थे हाँ बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई होगी एफ आई आर हो रही हंड्रेड तो परसेंट बिल्कुल होगा ये सहन करने का को कोई कारण ही नहीं है आप जब ये कहते हो कि किसी ने हेट स्पीच दिए और उसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं और उससे भयानक आप वहां पर हेट स्पीच दोगे क्यों स्पेयर करेंगे ये कांग्रेस की सरकार थोड़ी है जो तुष्टिकरण करेगी ये बीजेपी की सरकार है हम नहीं करेंगे तुष्टिकरण हम उनको बिल्कुल उनके ऊपर एफ दाखिल करेंगे